हे गाइस, आई नो मोस्ट अवेटेड वीडियोस मतलब कि कप्पीज का अपडेट। तो ऑब्वियसली मैंने जो कप्पीज ऑर्डर किए थे कुछ दिनों पहले, मैंने शॉर्ट्स दिया था, वो मैंने सीके कप्पीज से ऑर्डर किया था। केरला बहुत ही बड़ा फार्म है, बहुत बढ़िया फार्म है और मस्त मस्त कप्पीज मिलते हैं। आप लोग को इतनी कलेक्शन मिलेंगे, आई थिंक 30+ कलेक्शन है और उनका नंबर एंड डिटेल वगैरह सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी वगैरह सब डिस्क्रिप्शन पे है, आई थिंक अभी आ भी रहा होगा। आप देख लो, यहाँ से कॉल कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और देखो कैसा आता है, क्योंकि आप मेरा पहले कलेक्शन देखिए कैसे आया हुआ है और किस तरीके से। मैं तो असम में रहता हूँ, तो सोचिए केरला से असम और सारे के सारे फिश अलाइव है और जुबिनल स्टेज का फिश भेजते हैं वो, जो कि बिल्कुल एकदम एक्टिव होता है। ठीक है, तो गाइज आज का ये वीडियो पूरा गप्पीज का होगा, 6 पेयर के गप्पीज आप देखना और मैं कहाँ कहाँ मैंने रखा हुआ वो सब आप देख पाओगे। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे दोस्तों, केरला से मछली ऑर्डर किया हुआ है 12 गप्पीस, तो वही आ रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ वो पास से लेने के लिए। बहुत एक्साइटेड हूँ और डर भी रहा हूँ कि फिश हमारे अलाइव है कि नहीं। तो चलते हैं और आने के बाद दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इस पार्सल आ चुका है और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और खोलकर दिखाने वाला हूँ। साथ में देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, ये मुझे बैकयार्ड में बोना है। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। होने वाला आज पता नहीं, मतलब फिश अलाइव है कि नहीं पता नहीं यार। गप्पीस, वो भी एक्सॉटिक गप्पीस, सोचो। पार्सल आ चुका है, ये क्या है? ये फूल मर गया, डेथ हो गई है क्या? जो फूल वगैरह दे दिया वो भी रोज, येलो कलर का रोज। एनीवेज, तो गाइस ये केरला से आया हुआ है, सब डिटेल देंगे। केरला से पार्सल आया हुआ है, 5 दिनों में असम में डिलीवरी हो गई। पानी पूरा हिल रहा है, पता नहीं पार्सल कैसे आया है। पैकेजिंग तो बहुत ज़बरदस्त है, कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है दीप? मर गया। अपशगुन बातें कर रहा है, पहले भी केरला से पार्सल्स आए थे, एक भी मरा नहीं था, उनके ही इतने सारे बच्चा भी मेरे पास है। पैकेजिंग तो यार खतरनाक किया था। डर लग रहा है, सही बता रहा हूँ मैं। मरा है क्या? इतना भाई 12 गप्पीज है ना, जिंदा है या मरा है? इसमें तो जिंदा है भाई, और इसमें भी जिंदा है, और ये पूरा जुवेनाइल स्टेज वाले गप्पीज मिले हैं इसलिए तुम है। ये भी जिंदा है, मैं खोलूंगा, ये तीनों जिंदा है। एक काम ही करता हूँ, खोलते हैं, है ना? रुको उधर, वो सभी जिंदा है भाई, ऑलमोस्ट। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो अभी दीप ज्योति खोल रहा है, न्यूज़पेपर खोलना, सिर्फ मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे एक्लिमेट करना है, कहाँ डालना है। वैसे हमारे पास काफ़ी सारे टैंक्स वगैरह तो हमने प्रॉपरली ये करके रखा है, साइकिल करके रखा है। यार सब जिंदा है, मेरे को तो पूरा स्ट्रांग फीलिंग है क्योंकि मैंने देख लिया काफ़ी सारे पैकेट्स। खोलो तो ये हम लोग खोल रहे हैं फर्स्ट पैकेट। कौन सा है दिखा मुझे ये? आई थिंक ये कितना प्यारा है। वाह, इसका टेल देखो भाई, क्या जबरदस्त टेल है। वाह, पूरा जुबिलेंट स्टेज के दे, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, कौन सा फीमेल? अच्छा हाँ, ये शायद फीमेल है, तो लोडेड भी थोड़ी बहुत लग रही है। चलो फाइनली रेड कप्पी भी मिल गया। वाह यार, ये आई थिंक कौन सा है? वाह, बहुत सही लग रहा है, टेल देखो इसका। ये मेरे पास नहीं थे, याद है आप लोग गलिफ स्ट्रीट से लेकर आया था, मर गए थे क्योंकि कलर छोड़ रहा था उसमें। चलो बढ़िया। ओ ये उसी का फीमेल, ओ वाओ यार, वेरी ब्यूटीफुल, उसी का फीमेल है ये। और ये ब्लैक मॉस को लेकिन कुछ अलग टाइप का है। अब ये सब जुवेनाइल स्टेज के, ये भी बड़े होंगे ना, ज़बरदस्त लगेंगे। और देखो वाओ कितना प्यारा और कितना एक्टिव है ये। कहना उनको यहाँ रखते जाते हैं क्योंकि इनको फिर हमें एक्लिमेट करना पड़ेगा। ये टोटल 9 देख लिया अभी, ये और है ना। अच्छा यहाँ पे भी और है, देखता हूँ मैं, रुको। ये एकदम छोटा सा, ये आई थिंक ब्लैक का ही फीमेल है, काफ़ी छोटा सा ये, देखो रखता हूँ। और ये रहा, ये देखो कितना प्यारा यार, सब जुवेनाइल स्टेज वाले हैं ये, फिर भी देखो कलर कितना प्यारा है। वैसे भी खाना नहीं मिला है 5-6 दिन से, फिर भी सही दिख रहा है। अभी खाना वगैरह देंगे ना तो देखना। ये अगेन एक फीमेल, सब मिक्स हो जा रहा है मुझसे, पेयर्स भेजा हुआ है इन्होंने। वाह ये भी बढ़िया है, यहाँ पे रख देते हैं। क्या ब्लैक का?
ब्लैक। ओ वाह मस्त लग रहा है रे, ये कितना प्यारा है। वाह एंड देन ये 12, ये कौन सा है? वाह भाई ये भी बहुत ही प्यारा है, पूरा ऑरेंज कलर में, क्या तो टेल है इनका। इसका भी फीमेल आया हुआ है ना। ओके तो गाइस देख पा रहे 12 के 12 फिश आपको दिखा दिए, सब जबरदस्त है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सब फिश अलाइव है, सब बड़े तरीके से डिलीवर हुए हैं यहाँ पे। आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड साथ ही में गाइस अभी इन फिश को हम एक्लिमेट करेंगे और डालेंगे, फिर आप लोग को मैं क्लोजली दिखाने वाला हूँ कि एक एक फिश कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये है गाइस पहला पेयर जिसको मैं इस टैंक में डाला हूँ जहाँ पे हमारे पोलर पैरेट्स के बच्चे थे। आधा बच्चे तो मैंने निकाल लिए, कुछ बच्चे हैं जिसके दूर में देख पा रहा हूँ काफी बड़े हो गए, 1 मंथ से भी ज्यादा हो चुके हैं इनका ग्रोथ। तो यहाँ पे पोलर पैरेट्स के प्राइस बहुत कम ही है इसलिए मैं इनको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, और ये गप्पीज कौन से मैं बाद में बताता हूँ। एंड देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने 2 पेयर को ऑलरेडी एक्लिमेट करने के लिए रख दिया है। गाइस देख पा रहे हो, शायद मैं निकाल दूंगा एक पेयर यहाँ से। मैं इनको ऐसे ऐसे जगहों पे एक्लिमेट कर रहा हूँ जहाँ पे ये बिल्कुल नहीं मरेंगे, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि गाइस पूरी तरीके से जो बहुत बढ़िया बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, और ये देखो ये फिश फ्राई टैंक है, इसमें भी मैं एक एक्लिमेट कर रहा हूँ पेयर। एंड यहाँ पे ये नया सेटअप है जिसको हम लोगों ने सेट किया, 5 से 6 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे एल्गी वाटर डाल दूंगा मैं, और यहाँ पे भी मैं डाल रहा हूँ, ये सेटअप भी ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पे कुछ दीप ज्योति जो है कुछ फिश यहाँ पे छोड़ रहा है, ये अलग है ठीक है, ये रिवर से पकड़े हुए फिश है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये लोच, इसको मैं छोड़ने वाला हूँ हमारे इस रिवर फिश पॉन्ड में, बाहर का जो पॉन्ड था हमारा। एंड जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना बार्ब्स वगैरह, आई थिंक बंगाल डेनियो, ये बंगाल डेनियो को भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। और बाकी जो भी बार्ब्स है यहाँ पे देख रहे हो, इतने सारे, कम से कम यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे, इनको अंदर के फिश टैंक में छोड़ेंगे ये वाला। तो देखो ये भी रिवर फिश टैंक है, क्लीन नहीं किया है, क्लीन करने के बाद मैं आप लोग को क्लियरली दिखाऊंगा ठीक है। अभी यहाँ से मैं ले लूंगा एल्गी वाटर, तो ये एल्गी वाटर 2-3 ग्लास लेकर मैं डालने वाला नए वाले सेटअप पर। इसको हमने ऑलरेडी हो चुका था सेट किए हुए, लाइक 3-4 दिन हो चुका है, बट फिर भी सेफर सेट के लिए डाल देते हैं। और इधर हो चुका है हमारे सारे गप्पीज एक्लिमेट, चलो एक एक करके डाल देते। पैकेजिंग देखो यार क्या जबरदस्त पैकेजिंग किया है सीके गप्पीज ने, सीरियसली बहुत मजा आ गया। इसके वजह से तो सारे फिश अलाइव है। एनीवेज हमने फीमेल को डाल दिया, अब हम डालने वाले मेल को। और ये जो गप्पी है ना, आता हूँ मैं थोड़ी देर में, बताता हूँ कि कौन सा गप्पी है। तो मेल को भी डाल दिया, आप अभी क्वालिटी को देखना एंड देखना कि कितने ज़्यादा एक्टिव है। इसी तरीके से हम स्लोली स्लोली रिलीज़ कर रहे हैं सारे बाकी गप्पीज़ को भी। तो आई थिंक ये गप्पी को मैं ऐसे निकालने वाला हूँ इस पेयर को। और देखो पैकेजिंग काफ़ी ज़बरदस्त होता है इनका ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेल एंड फीमेल दोनों को डाल दिया, बट आई थिंक यहाँ से मैं निकाल दूंगा। इसी तरीके से मैं हमारे इन गप्पीज को भी यहाँ पे छोड़ा, ये देखो पूरा प्रेग्नेंट है, आई थिंक ये कुछ 1 वीक के अंदर ही डिलीवर कर देगी। और इसका मेल है, ये सब आपको क्लास में लेकर मैं दिखाने वाला, डोंट वरी। सिमिलरली यहाँ पे 5th वाला पेयर भी हम लोग छोड़ रहे हैं, हमने आई थिंक जो है फीमेल को छोड़ दिया और अभी ये मेल को छोड़ रहे हैं हम लोग। तो मेल देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा लग रहा है, इनको अलग से ग्लास के अंदर डालकर दिखाने वाला हूँ और नाम भी बताने वाला हूँ। और ये हमारा लास्ट पेयर, इनको भी हम लोग छोड़ देने वाले हैं। तो सारे गप्पीज को ना एकदम बढ़िया वाला सेटअप मिला हुआ है जहाँ पे बिल्कुल जो है पानी साइकिल्ड है, तो फिश को कुछ होगा नहीं। और ये देखो कितना प्यारा है राइट, सब जुबिनाइल स्टेज के गप्पीज है गाइस, मैं बता रहा हूँ जुबिनाइल स्टेज के गप्पीज परफेक्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं। दोस्तों जो भी गप्पीज हमने छोड़े थे तो देख पा रहे हो कि उनका ये आज सेकंड डे चल रहा है ठीक है, इसमें है, इसमें है और आगे भी है। तो सब है ना, मैं आपको ग्लास में डालकर दिखाता हूँ और बता दो कौन कौन से गप्पीज हमारे पास आए हैं। तो गाइस हमारा जो पहला पेयर है वो है ब्राजीलियन रेड, इसलिए आप देख पा रहे हो कि कितना ज्यादा रेड वाइब्रेंट कलर है और फीमेल तो ऑलरेडी लोडेड है। एंड गाइस जो भी पेयर आप सीके गप्पी से मंगाओगे एब्सोल्युटली आपको हेल्थी एंड एकदम सुपर एक्टिव पेयर्स मिलने वाले, जैसे कि मुझे मिले। ये जो पेयर आप देख रहे हो ये है वायलेट स्नेक स्किन कोबरा। गाइस आप सोचिए, हमने स्किन कोबरा देखा हुआ है अलग अलग कलर्स के, लेकिन ये वायलेट कलर में है और ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आया, तो ऑब्वियसली क्वालिटी को मैं रिटेन तो करूंगा ही, एंड फीमेल भी है। चलो इनको फिर वापस डाल देते हैं। अब दिखाता हूँ नेक्स्ट, थर्ड वाला पेयर है मेटल ब्लैक लीस, ये तो अल्टीमेट है यार, ये भी मेरे पास नहीं था सही में। डम्बो ईयर भी है देख पा रहे हो, और इसका मैंने एक शॉर्ट्स भी दिया था, काफी लोगों ने राइट आंसर्स दिए हैं। एनीवेज तो ये भी हमारा, इसकी भी क्वालिटी को मुझे रिटेन करना है, ये भी जुबेनाइल स्टेज का गप्पी है। इनको भी डाल देते फिर से वापस। जाओ 4th पेयर है सिल्वर एडो, जी हाँ गाइस ये भी मेरे पास नहीं था, और देख पा रही ये गप्पी इतनी प्यारी है ना क्या बताऊँ, बिल्कुल अलग ही है एकदम से ठीक है। जुबेनाइल स्टेज है, हम इनकी ब्रीडिंग आराम से करेंगे और मुझे काफ़ी सारे बच्चे इनसे लेना है ताकि मैं उनको रिटेन कर पाऊँ। एंड मेरे पास अभी काफ़ी वेराइटी ऑफ गप्पीज हो गए राइट, तो ये सिल्वर एडो है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो मैंने गप्पी छोड़ा था ना वो एकदम मिक्स हो गया, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कौन सा था, मतलब 5th पेयर था हमारा, मैं कोशिश तो कर रहा पकड़ने के लिए पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। एनीवेज चलते हैं 6th वाले पेयर पे। 6th वाले पेयर का नाम है HB ब्लू, और ये भी बहुत ब्यूटीफुल है गाइज, इसका जो फीमेल है ना ये काफ़ी ज़्यादा लोडेड है, मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में डिलीवर करने वाला है, सबको रिटेन करना है मुझे ठीक है। तो ये सारे गप्पीज के अपडेट थे।
तो गाइस कैसा लगा, मस्त है ना? मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ क्योंकि गाइस कुछ तो गप्पीज ऑलरेडी लोडेड है और मैं इनकी क्वालिटी को, इस चेन को मैं डेफिनेटली मैं रिटेन करूंगा। एंड मेरे पास अभी काफी सारे गप्पीज हो गए, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ गोल्डन हो गए, उनका तो 30-40 है एकदम से, ठीक है। एंड देन मेरे पास ब्लू ड्रैगन डम्बो एयर के तो बहुत सारे हो गए एकदम बढ़िया तरीके से, और बहुत सारे एक्चुअली सेपरेट करके रखूंगा तो बहुत सारे गप्पीज हो जाएंगे। एनी वेज गप्पीज तो मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और गप्पी लवर्स डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के बहुत वैरायटी ऑफ गप्पीज मिलेंगे और सारे गप्पीज को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर करता हूँ, तो डेफिनेटली आपको बहुत से टिप्स मिलेंगे। और यार सीके गप्पी से एक बार गप्पीज मंगवा के देखो, पछताओगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलिए कुछ नए वीडियोस में जल्दी वापस आता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।